स्वागत है आपका न्यूज फॉर भारत में। मैं आपके साथ खुशबू सांगवी। देश भर में नए ट्रैफिक नियम लाए गए हैं। चालान की रकम कई गुना बढ़ा दी गई है। लोग काफी परेशान हैं। एक और जहां ये कानून लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है, वहीं पुलिस महकमे में चांदी हो गई है। कहीं कहीं से इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप के मामले भी सामने आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नए यातायात नियम और आसमान चढ़ते चालान की रकम से देश भर में भूचाल आ गया है। इधर नीतीश बाबू के दीवान जी की बंदूक जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम विदाई के समय भले ही ठंडे पड़ गए थे, लेकिन सड़कों पर उनका जज्बा और हौसला देखने को मिल रहा है। वो भी क्यों ना, खुद प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर जो सड़कों पर उतर आए हैं। वे सक्रिय तो इस कदर हैं जैसे इतिहास में नादिर शाह और तैमूर लंग के फौज थे। तभी तो वो लगातार नागरिकों के कॉलर पकड़कर उन्हें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं और तेवर से कानून के डंडे दिखाकर चालान की मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। इस नए ट्रैफिक रूल आने के बाद देश भर से अनेक दिलचस्प घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इधर यूपी में जब योगी के दीवान जी ने बिजली विभाग के लाइनमैन का चालान काटा तो उन्होंने थाने की बिजली ही गुम कर दी। कार चालक के लिए सीट बेल्ट बांधने का नियम है, लेकिन इसके लिए भी बाजार में जुगाड़ देखने को मिल रहा है। ठीक वैसा ही टी शर्ट भी लॉन्च हो गया है, जिसे पहनने के बाद वैसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई सीट बेल्ट ही बंधा हो। इधर पुलिस शेर है तो जनता सवा शेर। मामला ये है कि बाइक पर सवार सिपाही जी बड़ी मुस्तैदी से सीना तान कर जा रहे थे, तभी पास के एक स्थानीय साहब का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कानून के रक्षक को ही इसका भक्षक बनता देख जब विरोध किया तो सिपाही जी का पारा सातवें आसमान पर। उन्होंने अपना तेवर दिखाया तो भाई साहब भी कम थोड़े ही ना थे। ऐसे ही कई और घटनाएं देश भर से सामने आ रही है, जिसमें पब्लिक और पुलिस आमने सामने हैं। चालान में देश से एक ऐसा कानूनी दहशत कायम हो गया है जिससे वो लोग भी डर रहे हैं जो कागजात से परिपूर्ण भी हैं। जनता और उनके रक्षक जिसे हम पुलिस वाले कहते हैं, इस नियम की आड़ में आमने सामने हैं। अब देखना यह होगा कि इस रूल के तहत चालान की रकम में बेतहाशा वृद्धि जो जनता के हितों के लिए लाया गया है, वो लोकतंत्र को किस दिशा में लेकर जाता है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।